राजनीति, अपराध, खेल से लेकर मनोरंजन जगत पर नजर। आधे घंटे में 30 बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ द्वारा सदर SDM को दिया गया पत्रक। आपको बताते चले कि पंचायती राज विभाग के अधीन कार्यरत ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की लंबित 7 सूत्रीय मांगों को लेकर सदर SDM को पत्रक दिया गया और उन्होंने सदर SDM को अवगत कराया कि लगभग 1,00,000 से अधिक पंचायती राज विभाग में ग्रामीण सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनकी लंबे समय से 7 सूत्रीय मांगे विचाराधीन हैं, जिसका निराकरण आपके स्तर से ही संभव है। देश व प्रदेश लगातार उन्नति और नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ऐसी स्थिति में हम सभी कर्मचारी लगातार आपकी तरफ बड़ी उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं। हमारी 7 सूत्रीय मांग इस प्रकार है। पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए, प्रधान के नियंत्रण से मुक्त किया जाए, पंचायती राज विभाग में कार्यरत सफाई कर्मचारियों की पदोन्नति की जाए, पंचायती राज विभाग में कार्यरत सफाई कर्मचारियों का पदनामा पंचायत सेवक किया जाए, पंचायती राज विभाग में कार्यरत सफाई कर्मचारियों का विभागीय सेवा नियमावली बनाई जाए, सफाई कर्मचारियों को 1800 ग्रेड पे के स्थान पर 1900 ग्रेड पे दिया जाए, महाजून 2023 में ग्राम पंचायत अधिकारी होने वाली चयन प्रक्रिया में 20% पदोन्नति हेतु पद सुरक्षित कर चयन प्रक्रिया की जाए। मुख्यमंत्री सफाई कर्मचारियों का प्रमोशन दे, प्रमोशन दे, प्रमोशन दे। मुख्यमंत्री सफाई कर्मचारी बनाई जाए, बनाई जाए। मुख्यमंत्री सफाई कर्मचारियों की विभागीय सेवा नियमावली बनाई जाए। राम नगीना सिंह यादव, जिला अध्यक्ष, करंडा ब्लॉक अध्यक्ष। राम नगीना सिंह, आज सरजू पार्क में आप इकट्ठा हुए हैं, क्या मामला है? हम लोग की आज 7 सूत्री मांग को लेकर के इस पार्क में इकट्ठा हुए हैं। इसमें विशेष हमारी मांग पुरानी पेंशन है। जो पुरानी पेंशन हम लोग के साथ सरकार अन्याय कर रही है, इस पुरानी पेंशन को लेकर के हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से यही मांग कर रहे हैं कि हम कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दें। इसके अलावा भी और कोई मांगे हैं? और हम लोग के सेवा नियमावली है, हम लोग का प्रमोशन का है, हम लोग को प्रधान से मुक्त किया जाए, हम लोग की 7 सूत्री मांग है। मैं रोशन लाल, जिलाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ जनपद शाखा गाजी। रोशन जी, कुछ मांगों को लेकर के आप सरजू पार्क में इकट्ठा हुए हैं, क्या मांगे हैं आपकी? जी, ये प्रांतीय नेतृत्व के निर्देश पर और प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर 7 सूत्री मांगों को लेकर के ये तहसीलवार पदयात्रा चल रही है और पदयात्रा के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से 7 सूत्री मांगों के निराकरण के लिए हम लोग अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आपकी सत्ता जाएंगे? अभी अगर हमारी मांग को अगर उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी अगर संज्ञान नहीं लेते हैं तो हम लोग अभी 19 जून को जनपद स्तर पर विशाल पदयात्रा करेंगे। उसके बाद भी अगर हमारी मांगों का संज्ञान नहीं लिया गया तो 5 जुलाई को जनपद के सभी सफाई कर्मचारी लखनऊ में प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर अपनी पदयात्रा करेंगे और अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे।